हेलो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज हम आरवी रिवोल्ट 400 के बारे में बात करने वाले हैं। भाई बड़े अल्टीमेट बाइक है, सारे डिटेल देने वाला हूँ, पूरा रिव्यू दूंगा, पूरा ओवरव्यू करूंगा बाइक का। तो भाई शुरू करते हैं वीडियो। तो भाई शुरू करते हैं फ्रंट से, बाइक को फ्रंट से देख लो, फ्रंट टायर से शुरू करेंगे। फ्रंट टायर का जो आपको साइज़ मिलने वाला है 90/80/17 का मिलने वाला है। और भाई इसमें अलॉय व्हील डिस्क ब्रेक के साथ इसमें मिलने वाले। सस्पेंशन की बात करूँ, इसमें आपको USD फोक्स सस्पेंशन मिलने वाला है, जो कि बहुत अच्छा है। अब थोड़ी सी साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। साइड से देखिए भाई, कितनी ब्यूटीफुल लगती है बाइक। रिवोल्ट की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है, या नीचे भी मिलती है, टैंक के ऊपर भी मिलती है। और जो साइड से नीचे से ऊपर तक जो कवर अप किया हुआ है ना बाइक को, थोड़ा सा मतलब एक बहुत ज़्यादा स्ट्रीट बाइक का फील देता है। मतलब फिल्मों में देखी होगी ना, स्ट्रीट बाइक, इलेक्ट्रिक बाइक में ऐसी ऐसी चीज़ें दी गई हैं बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट, जो कि हमारे बहुत अच्छे खासे पैसे भी सेव करती हैं पेट्रोल वगैरह के। और जो इतने सारे सर्विसिंग वगैरह में हम व्हीकल में पैसे खर्च करते हैं, इतने सारे पैसे ही हमारे सेव करती है। इसकी जो खास बातें आपको सारी बताने वाला हूँ एक एक करके डिटेल। तो भाई अगर इसको हम देखो पीछे के टायर से, अगर आप देखो पीछे के टायर का साइज़ आपको 120/80/17 का मिलने वाला है, ठीक है भाई। और डिस्क ब्रेक के साथ मिलेगा, फ्रंट में भी डिस्क, बैक में भी डिस्क, और अलॉय व्हील के साथ मिले, दोनों अलॉय व्हील टायर मिलते हैं इसके अंदर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पीछे से कुछ इस तरीके का लुक मिल जाता है बाइक का देखने के लिए। अगर मैं सीट कंफर्ट की बात करूँ, सीट कंफर्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है इसमें। एक है नीचे रिफ्लेक्टर मिल जाता है आपको नंबर प्लेट से नीचे, और इसके जो इंडिकेटर है वो भी बहुत ज़्यादा फैशनेबल टाइप के दिए गए हैं। तो भाई ये तो हो गई हमारी, मतलब पीछे से मैंने आपको प्रोफाइल दिखाया, अच्छे से दिखाया, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, ये देखिए आप, मतलब यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पर आपको फुटरेस्ट मिल रहा है पीछे भी, यहाँ पर भी। पीछे के जो मतलब पीछे का बंदा बैठने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैंने बाइक चलाई भी, पीछे बैठा भी हूँ। और ये जो चैन है, इसकी चीज़ एक खास बात बता देता हूँ, ये जो चैन है ना बाइक के अंदर हमारी चैन मिलती है, तो इसमें चैन नहीं है, सिर्फ सीधी की सीधी एक बेल्ट है। यानी कि जो हाई क्लास बाइकों में बेल्ट यूज़ की जाती है वो आपको आरवी 400 में मिल रही है। चैन नहीं है इस बाइक के अंदर, आपको बेल्ट मिलती है। अगर मैं बाइक के वेट की बात करूँ कि बाइक का वेट कितना होने वाला, तो 108 किलोग्राम की ये बाइक है। लेंथ की बात करूँ तो 2156 mm की इसमें आपको लेंथ मिलने वाली है। और इस बाइक में आपको विड्थ जो मिलेगी 813 mm की मिलेगी। इसकी टॉप स्पीड, राइडिंग रेंज, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, वो भी सब बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो बाइक है, इसका जो मीटर कंसोल है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पर पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है। ये जो इसका मीटर कंसोल है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब पुश बटन स्टार्ट से भी आप कर सकते हो। कीलेस इसमें सब चीज़ मिलती है, मतलब जो इसकी दो चाबियाँ मिलेंगी, दो रिमोट्स मिलते हैं इसके अंदर आपको, और दो इसके अंदर फीचर और बताता हूँ मैं। एक्चुअली दोनों वो तीन है ड्राइविंग मोड्स, यानी कि ड्राइविंग रेंज इसमें आपको मिलती है 1, 2, 3, ठीक है। स्विचिंग मोड्स आपको दिख सकते हैं यहाँ पे, सारे देख रहे हैं आप। यहाँ पे जो इसका मीटर है इसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है भाई। कितनी चार्जिंग बाकी है, पार्किंग के लिए मतलब इसमें लाइट्स दी गई हैं कि पार्क है नहीं है। और एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, इसमें मोबाइल कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ, वाईफाई सब चीज़ें मिलती हैं। और एक खास बात बताता हूँ, अगर आपका बाइक का साइड स्टैंड नीचे है, आपका साइड स्टैंड ब्लॉक नहीं किया है, तो बाइक आपके आगे नहीं बढ़ेगी, बाइक आपके आगे नहीं बढ़ेगी बिल्कुल भी। आप इसको चोरी भी नहीं कर सकता है कोई, मतलब बाइक बहुत बढ़िया है। फ्रंट में आपको DRL LED लाइट विद प्रोजेक्टर लाइट के साथ ये मिल जाती है। अब इसके थोड़े मोटर पावर कैपेसिटी की बात कर लेते हैं, 3000 वॉट के इसके अंदर आपको मोटर मिल जाती है। टॉर्क की बात करूँ, 170 mm का टॉर्क, चार्जिंग पॉइंट, मोबाइल कनेक्टिविटी, राइडिंग मोड्स, नेविगेशन, सारी चीज़ें इसमें आपको मिलती हैं।